दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है अंकुर और अद्भुत दस्ताना। ये कॉमेडी कॉमिक्स है अंकुर की, तो पढ़ते हैं इसको। अद्भुत दस्ताना। रस्सा ले चलता हूं दोस्तों के साथ, आज रस्सा कस्सी का मुकाबला होना है। बचाओ बचाओ, चलते चलते पैर फिसल गया और यहाँ अटक गया। ज्यादा देर से थामे नहीं रह सकता। बाबा जी, मैं रस्सा लटका रहा हूं, आप इसके सारे ऊपर आ सकते हैं। रस्से का दूसरा सिरा मजबूती से इस पेट के साथ बांध देना चाहिए। इस रस्से का काफी सहारा हो गया है। धन्यवाद बेटा, तुमने मेरी जान बचाई है। मेरी तरफ से दस्ताना कबूल करो। दस्ताना दो होते तो कुछ बात बनती। एक दस्ताने का मैं क्या करूं, अब बुड्ढे ने मुझे टरका दिया है। इसे फेंक देना ही मुनासिब है। कड़ाक है, इसने टेलीफोन का खंभा ही तोड़ दिया। यह दस्ताना मामूली नहीं, लगता करामाती चीज है। इसे एक हाथ में ही पहन लेता हूं। बचाओ, चुप, तुझे ढोंगों के से कोई नहीं बचा सकता। यह डाकू मुझे उठाकर जबरदस्ती ले जा रहा है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। छोकरे, तेरा आखिरी समय आ गया। मैं तेरा सर धड़ से अलग करने जा रहा हूं। धड़ौक, ओह मेरी तलवार। मेरी पिस्तौल देखकर अपना दस्ताना उतार रहा है। डरपोक। तड़ाक, बाप रे भूत, सचमुच तुम्हारा दस्ताना बड़े काम का है। ओह, वह दस्ताना कुएं में जा गिरा। कोई बात नहीं, मैं दूसरे दोस्तों के साथ रस्सा कसी का खेल खेलने जा रहा हूं, तुम भी मेरे साथ चलो। कार, अरे अंकुर यह क्या कर रहा है? घोटालू, मैंने एक ऐसी कार बनाई जो पेट्रोल से नहीं बल्कि भाप से चलेगी। कार और भाप से चले? तुम कहीं मजाक तो नहीं कर रहे? क्यों, जब रेलगाड़ी का इंजन भाप से चल सकता है तो क्या कार क्यों नहीं चल सकती? आज अगर देश को सबसे ज्यादा किसी चीज की जरूरत है तो ऐसी वस्तु की जो पेट्रोल की जगह ले सके और करोड़ों की विदेशी मुद्रा बचाए। मैं इसे अभी स्टार्ट करके दिखाता हूं। ढर फड़ाक, हो, एक्सीलेटर जरा ज्यादा दब गया था। हा, हंस लो, जितने भी बड़े वैज्ञानिक हुए हैं लोग पहले पहले उन पर ऐसे ही हंसते थे। हैं यह क्या? टायरों में ज्यादा हवा भर रहा हूं ताकि यह कार राजधानी एक्सप्रेस की तरह सुपर फास्ट दौड़े। लो हो गई स्टार्ट। डर ठहरो अंकुर, मुझे भी साथ ले चलो। आ जाओ डबरू। लो चली मेरी सुपर फास्ट एक्सप्रेस। सरॉट, वाह। अरे अंकु, कार रोको, आगे सड़क पर डरम डरम रखे हैं। वो मैं कार में ब्रेक लगाने तो भूल ही गया। दड़ाम, अंकुर अब यह तुम्हारी सुपर फास्ट एक्सप्रेस कैसे रुकेगी? मुझे नहीं पता डब्रू, मर गए। बाप रे अंकुर, तुम्हारी सुपर फास्ट समुद्र में गिरी और डूबी नहीं, क्योंकि इसके टायरों में ज्यादा हवा भरी है। हवा पानी से हल्की होती है और उसके ऊपर रहती है। यह गया मेरा काटा, देखो आज मछली फंसती है या नहीं। अरे यह क्या अटक गया मेरे काटे में, चलो इसे बाहर खींचो। अंकुर, तुम्हारे नए आविष्कार के लिए तुम्हें यह ट्रॉफी भेंट की जाती है, लेकिन हमारी सुपर फास्ट एक्सप्रेस तो फेल हो गई। सिर्फ सड़क पर पानी में वह तैरती रही। यह पहली कार थी जो समुद्र में गिरी और डूबी नहीं। दड़ियल खां, अंकुल कोटकस, अंकल कोटकस, आज मेरी स्कूल में छुट्टी है, आओ कहीं घूमने चले। ख्याल तो अच्छा अंकुर, पर कहां? अरे गोकुलपुर देखने की जगह है। ठीक, आओ गोकुलपुर में आज छुट्टी मनाते हैं। वाह, आज मौसम भी अच्छा है और गोकुलपुर दूर भी नहीं। अंकल कोटकस, आप सिगरेट तो पीते नहीं, फिर यह लाइटर क्यों अपने पास रखते हैं? मान लो अगर किसी जगह रोटी न मिले तो इससे आग जलाकर हम खाना पका सकते हैं। आओ आगे हम पैदल घूमेंगे। अरे अगर तुम अपना भला चाहते हो तो वापस लौट जाओ। क्यों? जहाँ यहाँ एक बदमाश दड़ियल खां रहता है जो हर गोकुलपुर आने वाले से टैक्स मांगता है। टैक्स न देने पर वह मार डालता है। आओ देखे वह दड़ियल खां है क्या चीज। दड़ियल खां, लाओ टैक्स निकालो, फिर गोकुलपुर घूमना। यहाँ जो भी आता मुझे टैक्स देता है। यह सिलसिला वर्षों से चल रहा है। अंकल कोटकस, जरा अपना लाइटर देना। टैक्स निकालते हो या नहीं? नहीं, क्योंकि गोकुलपुर कस्बा तुम्हारी बपोती नहीं। छोकरे तेरी हिम्मत, तुझे अभी दिन में तारे दिखाता हूं। आग, बचाओ,
मैं तुझे जान से मार डालूंगा। इसी खुशी में केला खा लिया जाए, अब तू नहीं बच सकता। सर्प, ओह धड़ाम, अब वह किसी को परेशान नहीं करेगा। खपट और झपट, अंकुर ये लो पैसे, जाकर हलवाई से 1 किलो बर्फी ले आओ। अच्छा माँ, 1 किलो बर्फी पिस्ते वाली। लो बेटे, संभाल कर घर ले जाना। अरे खपट, आज मेरा दिल पिस्ते वाली बर्फी खाने को कर रहा है। अरे झपट, पास तेरे पैसा नहीं और बर्फी खाएगा। उस छोकरे को मैंने अभी हलवाई की दुकान से पिस्ते वाली बर्फी लेते देखा है। फिर मैं यह गधे खाल पहनकर उस छोकरे को दुलत्ती मारता हूँ, जिससे उसके हाथ से बर्फी का डिब्बा जमीन पर गिर जाएगा। उसे मैं फौरन खा जाऊंगा। लोग इसे एक दुर्घटना मात्र समझेंगे। इस तरह देखना, बिना पैसे खर्चे मैं बर्फी खाऊंगा। खपट, देखो मैं कैसा लगता हूं, बिल्कुल गधा। वह देखो, एक लावारिस गधा फिर रहा है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, आवारा पशुओं को पकड़ने वाला विभाग, पकड़ो उसे, पकड़ो। बाप रे, यह तो उल्टे मुसीबत में पड़ गए। कॉरपोरेशन वाले मुझे आवारा गधा समझकर पकड़ने आ रहे हैं। भागो, पता नहीं वह गधा भागकर कहां छुप गया। वापस चलाओ, अब कोई खतरा नहीं। चलो बाहर निकले और बर्फी वाले छोकरे को ढूंढे। वह रहा छोकरा, एक ही ठोकर में मारकर उसे जमीन पर गिरा दूंगा, साथ ही उसका बर्फी का डिब्बा भी उलट जाएगा। बस फिर मैं उसे फौरन खा जाऊंगा। ओ, वह गधा मुझे मारने आ रहा है, भागो। क्यों, धोबी घाट से भागकर यहाँ आ गए? मैं तुम्हें ढूंढने के लिए शहर भर के धूल छानता रहा। आज मार मार कर सीधा ना किया तो कल वह धोबी ना कहना। मैं गधा नहीं हूं, सारे गधे यही कहते हैं। यह देखो मैं झपट हूं। अरे हाँ, माफ करना, गलती हो गई। लो माँ बर्फी। खरबूजा, अंकुर थैले में क्या है? खरबूजा बाजार से खरीद कर लाया हूं, देखोगे? यह देखो बम्पी, माँ ने मंगवाया है। बम्पी, मेरे साथ घर चलो, तुम भी खाना यह खरबूजा। एजेंट नंबर 25856, को एजेंट नंबर 53792, एजेंट 836, हमें इस मुल्क में तोड़फोड़ करने के लिए भेजा गया है। अंकुर यह आवाज चुप। एजेंट, यहाँ तोड़फोड़ करने के लिए हथियार क्या लाए हो? मेरे पास थैले में यह टाइम बम है, जिसे 10 बजेगा 5 मिनट पर फटना है। एयरपोर्ट से एक फ्लाइट 10 बजे बंबई के लिए रवाना होगी। अगर यह टाइम बम वाला थैला उस जहाज के साथ बांध दो तो वह उड़ते ही नष्ट हो जाएगा। हमारा यह प्लान जहाज में बैठे सैकड़ों यात्रियों को मारने में कारगर सिद्ध होगा। हो, हा, टिक टिक, आओ चले एयरपोर्ट। वेरा, बम्बई जाने वाला हवाई जहाज, लेकिन मुझे बड़े जोर की प्यास लगी है। प्यास तो मुझे भी लगी है। आओ पहले पानी पी ले, जहाज के छूटने में भी देर है। मशीन का ठंडा पानी। ये छोकरो, यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, भाग जाओ यहाँ से। अब बिना वक्त खोए मुझे अपना काम करना चाहिए। मैंने बांध दिया वह थैला हवाई जहाज के साथ। शहबाज, समय हो गया, किसी वक्त भी विस्फोट हो सकता है। वह जहाज सुरक्षित बंबई पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि जो थैला तुमने जहाज के साथ बांधा है उसमें खरबूजा है। बम वाला थैला तुम्हारे पीछे है। बड़ौम। अंकुर, अब हम किधर जा रहे हैं? बाजार में से दूसरा खरबूजा लेने। कल्लू धोबी का गधा, घोटालू की सोच विचार में बैठे हो। अंकुर, मैं सोच रहा हूं कि इस बार ऐसी दिवाली मनाई जाए कि साल भर याद रहे। अच्छा ख्याल है। देखो सामने कल्लू धोबी का गधा सो रहा है। मैं यह पटाखों की लड़ी उसकी पूंछ में बांधकर आग लगा देता हूं। वाह, खर। लो अब साल के सबसे बड़े तमाशे के लिए तैयार हो जाओ। धड़ाम बड़ौम। हा, सचमुच ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा। धड़ाम बड़ौम। बच्चों, वह गधा बौखला कर हमारी तरफ आ रहा है। भागो। धड़ाम। इस बार का रंग खूब निखर रहा है। टक्कर। बाप रे, और तेज भागो। बड़ौम। कम भक्तो, मैं तुम्हें समझ लूंगा। कश्मीरी सेब 7 रुपए किलो। गधा भी पीछे लगाए। टक्कर आना। ओह, मैं सेबों के सारे पैसे तुम्हारे पिता से रखवा लूंगा। धड़ाम बड़ाम। मैं तो भागते भागते थक गया हूं, तुम
तुम जरा धीमे पड़े नहीं कि गधे ने तुम्हारे ऊपर दो चार दौलतियां झाड़ी नहीं। वह काफी नजदीक आ गया है और तेज भागो। अरे मेरा टम्बम बड़ाओम, हो, ओह मेरी हड्डिया पापड़ बन गई। घोटालू, यह दिवाली सचमुच साल भर नहीं उम्र भर याद रहेगी। डिस्पेंसरी फैशन, अरे घोटालू रतालू कहाँ जा रहे हो? अंकुर, हम ग्रांड होटल में एक पार्टी में जा रहे हैं। ग्रांड होटल में पार्टी और यह लिबास पहनकर जाओगे? क्यों, क्या हर्ज है? शहर में सबसे कीमती सूट सिलवा कर लाए हैं। कीमती बेशक सही घोटालू, पर ये एकदम पुराने फैशन के हैं। अगर यह 2,000 रुपये का सूट पुराने फैशन का है तो फिर नया फैशन क्या है? यह कपड़े जो हमने पहने हैं, यह चिंदिया तुम इन्हें कपड़े कहते हो? देखो घोटालू, दुनिया का हर नया फैशन यूरोप और अमेरिका से चलता है ना? हाँ, उन देशों से जो हिप्पी आते हैं उन्होंने कैसा लिबास पहना होता है। अरे अंकुर तो ठीक कह रहा है, क्या हम अपने लिबासों की अदला बदली नहीं कर सकते? तुम हमें अपने चिथड़े दे दो और हम तुम्हें अपने कीमती सूट दे देते हैं। मंजूर, साथ में 10 रुपये में होंगे। देंगे बाबा, उतारो कपड़े। वाह सचमुच, अब हम जच रहे हैं ग्रांड होटल की पार्टी के लिए। बाय अंकुर। ए इधर, किधर किधर जाता? इधर भिखारी को आने की इजाजत नहीं, लेकिन हमें पार्टी में बुलाया गया है। इनविटेशन कार्ड किधर? अरे इनविटेशन कार्ड तो सूट में ही रह गया, हमको उल्लू बनाता। चलो अपना रास्ता नापो। अरे घोटालू, देख उस टैक्सी से अंकुर और उसका साथी उतरे, वे हमारी जगह अंदर पार्टी खाने जा रहे हैं। कुछ देर के बाद, वाह क्या स्वादिष्ट खाना था। अब म्यूजिक सुनने चले। बाढ़ में जा तुम्हारा यह नया फैशन, पार्टी तो आज से निकल गई, अब कम से कम म्यूजिक तो सुने दो। क्या मतलब? संभालो अपने चिथड़े, अब हम अपने सूट पहनकर ही म्यूजिक सुनने जाएंगे। ठीक है, दोनों ने कपड़े एक दूसरे को वापस कर दिए। ए रुको, ये डिस्को है, अगर यहाँ का पॉप म्यूजिक सुनना है तो ऐसे कपड़े पहनकर आओ। अंकुर और बदमाश, 100, 200, 300, इधर लाओ ये रुपये। और ये गए वे रुपये मेरी पैंट की जेब में। चोर चोर, उस बदमाश ने मेरे 300 रुपये झपट्टा मारकर छीन लिए। वह जा रहा बदमाश, पकड़ो जरा, मैं इन्हें चकमा दूं। कहाँ गायब हो गया वह बदमाश? चकमा दे गया, वह रहा, पकड़ो। बाप रे, वे तो मेरे पीछे ही लग गए, अब वह मेरी पकड़ में आने ही वाला है। अच्छा वह वह यह बस जा रही है, अगर मैं इसे पकड़ लूं तो फिर मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। हुर्रे, अब उनके हाथ में आना नामुमकिन है। आ गया हाथ में, ओह वह चोर निकल गया। कोई बात नहीं, रुपये पैंट में रखे हैं, यह लीजिए अपने रुपये और यह पैंट बेचकर मैं चॉकलेट खाऊंगा। होमवर्क, अंकुर उठो, सवेरा हो गया, स्कूल जाना है। अंकुर क्या बात है, आज स्कूल जाते समय तुम्हारा मुंह लटका हुआ है? यार रेडकू, आज स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा। क्यों? मैंने होमवर्क नहीं किया। जब क्लास में टीचर होमवर्क दिखाने को कहेगी और वह मेरा वैन ना पाकर वह मुझे सजा देगी। अपनी भी यही समस्या, होमवर्क नहीं किया। तो रिडकू आओ, आज हम स्कूल नहीं जाते और यहीं खेलकर समय बिताते हैं, मेरे पास गेंद भी है। ठीक है अंकुर, वह गई, पकड़ो। अरे बाप रे, स्कूल का चौकीदार? अंकुर भाग, स्कूल का चौकीदार इधर आ रहा है, अगर उसने हमें देख लिया तो पकड़कर स्कूल ले जाएगा। यह सड़क खेलने के लिए ठीक है, यहाँ स्कूल का न कोई चौकीदार आ सकता है और न ही टीचर। मर गए, पिताजी इधर आ रहे हैं, यहां से भी भागो, अगर उन्होंने देख लिया तो मार मार कर भूता बना देंगे कि स्कूल क्यों नहीं गए। यार अंकुर, हम बस में बैठकर शहर से दूर की पार्क में दिन बिताएं, वहां न कोई स्कूल का चौकीदार पहुंच पाएगा और न कोई हमारे परिवार का आदमी। ठीक है, जल्दी चढ़ो, बस चलने वाली है। श्रॉट, वाह शहर से दूर यह पार्क अच्छा है, अब बेफिक्र होकर सारा दिन यहाँ खेलो और मौज मनाओ। अरे देखो, हमारी स्कूल बस पार्क के गेट पर आकर रुकी और उसमें से उतरकर हमारी क्लास के बच्चे और टीचर यहाँ पार्क में आ रहे हैं।
अरे भाई, तुम सब लोग इस पार्क में कैसे? टीचर ने आज फैसला किया कि सारी सब क्लास स्कूल से दूर, शहर से दूर पार्क में पिकनिक मनाएगी, और टीचर ने आज किसी का होमवर्क भी नहीं देखा। यार अंकुर, हम यूं ही स्कूल से भागे। तो दोस्तों, कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है, तो मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।